केरल में 16 साल का रवि प्यार में साइलेंट हो गया, है ना? तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ऐसा लाइन है, केरल में 16 साल का रवि प्यार में साइलेंट हो गया। अब देखिए इसी में सभी नाम आ जाएगा जो नेशनल पार्क का है। देखिए यहाँ पर आया 16, 16, 16, 16 से 16 को रिलेट करेंगे, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि अगर 16 आ गया कोई भी नेशनल पार्क के नाम में तो वो केरल में चला जाएगा। तो आपका तीन नाम है, अनामुदी 16, मठिकट्टम 16 और पंपादुम 16, तो नाम तो याद ही नहीं रखना है ना? फिर देखिए रवि से हो जाएगा एराबीकुलम नेशनल पार्क, देखिए यहाँ पर रवि है और यहाँ पर भी बीच में रवि है, तो एराबीकुलम नेशनल पार्क। प्यार से हो जाएगा पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट से हो जाएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जिसको हिंदी में कहते हैं शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट का मतलब शांत, वैली का मतलब घाटी, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी नेशनल पार्क जो है वो केरल में है और आपको केवल इस लाइन को याद रखना है। अभी देखिए हम तुरंत इसके बाद एक दो क्वेश्चन को लेंगे और वहां पर आप अपने आप आंसर बता देंगे, आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। अगला देखिए है तीसरा, मेघालय के बारे में। तो मेघालय में आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक का नाम है बालपक्रम नेशनल पार्क और एक है नोकेरक नेशनल पार्क। बालपक्रम नेशनल पार्क और नोकेरक नेशनल पार्क कैसे याद करेंगे? तो आपको याद रखना है कि मेघालय में बाल पकड़कर नोच लेता है, जब आप वहां जाएंगे तो मेघालय में बाल पकड़कर नोच लेता है, तो यहां से आपको याद आ जाएगा बाल पकड़कर से हो जाएगा बालपक्रम नेशनल पार्क और नोच से हो जाएगा नोकेरक नेशनल पार्क, है ना? तो अगर आपको ये लाइन याद है तो आप ऑप्शन से चुन लेंगे कि कौन सा हो सकता है आंसर, है ना? तो मेघालय में बाल पकड़कर नोच लेता है बालपक्रम नेशनल पार्क और नोकेरक नेशनल पार्क। इसके बाद अगला राज्य को हम लिए हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भी आपको मुख्य रूप से दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक नमदाफा नेशनल पार्क और एक मौलिंग नेशनल पार्क। नमदाफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क कैसे याद करेंगे? यहाँ से अरुण नाम का मूली, एकदम इंटरेस्टिंग है, अरुण नाम का मूली, तो अरुण से आपको पता चल जाएगा कि ये अरुणाचल प्रदेश का ट्रिक है। देखिए एक चीज मैंने और यहाँ पर ध्यान दिया है कि आपको ये कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन सा ट्रिक किस राज्य का है, क्योंकि हर ट्रिक में उस राज्य का नाम को हम शामिल कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर असम में देखे थे क्या, माना ना मेरी असम का काजी, तो यहाँ पर असम आ गया तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा स्टेट का है। यहाँ पर देखिए केरल, तो यहाँ केरल यहाँ लिखा हुआ है, केरल में 16 साल का रवि प्यार में साइलेंट हो गया, तो कभी गलती ही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मेघालय में, मेघालय में बाल पकड़कर नोच लेता है, तो हर ट्रिक में स्टेट का नाम शामिल रहेगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में अरुण नाम का मूली, तो अरुण से पता चल जाएगा कि ये अरुणाचल प्रदेश का बात हो रहा है, तो नाम से हो जाएगा नमदाफा नेशनल पार्क और मूली से हो जाएगा मौलिंग नेशनल पार्क। नमदाफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड। तो झारखंड में भी दो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, एक है बेतवा नेशनल पार्क और एक है हजारीबाग नेशनल पार्क, है ना? बेतवा नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क कैसे याद रहेगा? तो झारखंड का बेटा हजारों में एक, झारखंड का बेटा हजारों में एक, ये लाइन आपको एक बार में याद हो जाएगा और दोनों पार्क भी याद आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हजारों से आ जाएगा हजारीबाग नेशनल पार्क और बेतवा से बेटा से आ जाएगा बेतवा नेशनल पार्क। तो आप MS धोनी का बात कर सकते हैं, झारखंड का बेटा हजारों में एक, है ना? तो झारखंड का बेटा हजारों में एक, बेटा से बेतवा नेशनल पार्क और हजारों से हजारीबाग नेशनल पार्क, ठीक है। अब हम देखिए आगे बढ़ने से पहले, अगले स्टेट को लेने से पहले हम एक दो क्वेश्चन को लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमको कैसे आंसर पता चलेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना? तो अब हम एक दो क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेशनल पार्क से रिलेटेड दो क्वेश्चंस को मैंने लिया है और दोनों ही उसी स्टेट से लिए हैं जो मैंने आपको बताया है, ताकि आप समझ पाएं कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मतलब किस राज्य में है। तो हमें भी नहीं पता है किस राज्य में है, तो अब देखिए आंसर कैसे मिलेगा। तो सभी राज्य का हमें केवल ट्रिक याद रहना चाहिए। तो देखिए मेघालय में हम बताए थे कि मेघालय में बाल पकड़कर नोच लेता है, तो कहीं भी काजी रंगा से कुछ रिलेटेड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। केरल में बताए थे कि केरल में 16 साल का रवि प्यार में साइलेंट हो गया, यहां पर भी काजी कहीं नहीं आया तो आंसर नहीं होगा। झारखंड में बताए झारखंड का बेटा हजारों में एक, तो यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखिए जब असम में जाएंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि माना ना मेरी असम का काजी, देखिए यहाँ से काजी आ गया तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो नेशनल पार्क का नाम आपको नहीं याद रखना है, केवल जो ट्रिक हम बता रहे हैं हर स्टेट के लिए वो आपको याद रखना है, और दो चार बार 10 बार जब मन में बोलेंगे ना तो वो याद हो जाएगा, है ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो अब हमें भी नहीं पता है कहाँ है, तो देखिए सबसे पहले है असम ऑप्शन, तो ये होगा क्या? तो असम के लिए हम बताएं कि माना ना मेरी असम का काजी करवा दी शादी राजीव से, कहीं भी नहीं आया पेरियार जैसा कोई भी वर्ड, है ना? मेघालय में, मेघालय में बाल पकड़कर नोच लेता है, कहीं भी नहीं है ऐसा कुछ। केरल, केरल में 16 साल का रवि प्यार में साइलेंट हो गया, देखिए प्यार में साइलेंट हो गया और प्यार से बताए थे पेरियार, तो मिलता जुलता वर्ड जहां पर आ गया वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना? फिर अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखें तो यहाँ बताए थे अरुण नाम का मूली, तो यहाँ पर कहीं भी कुछ रिलेटेड नहीं मिल रहा है, केवल केरल से एक वर्ड रिलेट कर रहा है पेरियार से, जो कि है प्यार, केवल
केरल में 16 साल का रवि प्यार में साइलेंट हो गया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप आराम से आंसर बना सकते हैं कोई भी नेशनल पार्क का, केवल ट्रिक को आपको याद रखना है। और हम ऐसा मजेदार ट्रिक बनाए कि आपको ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगर आप 1 से 2 बार वीडियो को ध्यान से देख लेंगे और एक बार सभी ट्रिक को नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, आपको याद हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले स्टेट को। तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में 5-6 नेशनल पार्क है जो इंपॉर्टेंट है। नेवरा नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व, सिंगालीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क, है ना। इतने सारे नेशनल पार्क हैं तो कैसे याद करेंगे? तो आपको केवल याद रखना है नेवरा ने बंगाल टाइगर और सुंदर सिंह वाला गोरू को जल्दापारा में देखा, है ना। आप समझ के याद करेंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। नेवरा कोई लड़की का नाम है या लड़का का नाम है, तो कह रहा है नेवरा ने बंगाल टाइगर और सुंदर सिंह वाला गोरु को जल्दापारा में देखा, है ना। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, नेवरा से हो जाएगा नेवरा नेशनल पार्क, बंगाल से आपको यह पता चलेगा कि ये जो ट्रिक है वो पश्चिम बंगाल का है ना, बंगाल से पता चलेगा पश्चिम बंगाल। टाइगर से हो जाएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व, है ना। सिंह से हो जाएगा सिंगालीला नेशनल पार्क, सुंदर से हो जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरू से हो जाएगा गोरुमारा नेशनल पार्क और जल्दापारा से जल्दापारा नेशनल पार्क। तो आपको ये सभी नाम नहीं याद रखना है, आपको केवल याद रखना है कि नेवरा ने बंगाल टाइगर और सुंदर सिंह वाला गोरु को जल्दापारा में देखा, बस इतना सा आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है जो नोट में लिखा हुआ है कि सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये वाला, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो फेमस है किसी जानवर के लिए कि कौन सा पार्क में कौन सा जानवर मुख्य रूप से पाया जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और इसके पहले जो हम बताए थे, जो असम और केरल वाला बताए थे, एक काजीरंगा और एक पेरियार, वहां पर भी इस तरह से लिखा हुआ था कि कौन सा जानवर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हम बोलना भूल गए, आप चाहें तो पीछे होकर के देख सकते हैं। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क था वो एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे, पीछे लिखा हुआ है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, और जो केरल का जो पेरियार नेशनल पार्क था वो आपका जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अगला स्टेट है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी 5-6 नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट। नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फ्लावर्स वैली, जिसको हिंदी में कहेंगे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फ्लावर्स वैली का मतलब फूलों की घाटी, है ना। तो फ्लावर्स वैली नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। केवल नाम को पढ़ करके रखना है ना। और याद क्या रखना है, तो याद रखना है ये ट्रिक, नंदा और गंगोत्री फूलों की घाटी में गोविंद को राजा जी कहा, है ना। एकदम समझ के याद करेंगे सेंटेंस को, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पर फिर से एक बार देखें, नंदा और गंगोत्री फूलों की घाटी में, दो लड़की है नंदा और गंगोत्री, और ये फूलों की घाटी में जाकर के गोविंद को कहा राजा जी, है ना। तो नंदा और गंगोत्री फूलों की घाटी में गोविंद को राजा जी कहा, बस ये याद रखेंगे और ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंदा से नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री से हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी नाम का नेशनल पार्क ही है, उसको हिंदी में कहते हैं फूलों की घाटी नेशनल पार्क और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर्स वैली नेशनल पार्क, है ना। और गोविंद से हो जाएगा गोविंद नेशनल पार्क, राजा से हो जाएगा राजा जी नेशनल पार्क और जी से हो जाएगा जी से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इस पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, और उसका जो पहले नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हैली नेशनल पार्क दोनों एक ही नाम है ना। इसी का पहले ये नाम था, अब ये नाम है, और ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है आपका नागालैंड। तो नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में आता है, और वो है इंटाकी नेशनल पार्क। इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, जो बार बार पूछा जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, आप इसको एक ही नेशनल पार्क है तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, नागिन की नौटंकी, नागिन की नौटंकी। तो नागिन से पता चल जाएगा कि ये नागालैंड के बारे में बात हो रहा है, और नौटंकी से आप इंटाकी को रिलेट कर सकते हैं, नौटंकी से इंटाकी। इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ होगा, नागालैंड में। तो अगर आपको याद है नागिन की नौटंकी तो आप रिलेट कर पालेंगे वर्ड से, है ना। अगला स्टेट है लद्दाख। तो लद्दाख में भी एक ही नेशनल पार्क है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है हेमिस नेशनल पार्क। और ये इसलिए ज्यादा फेमस है कि ये आपका पूरे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसीलिए ज्यादा पूछा जाता है। तो एक ही नेशनल पार्क है लद्दाख में लेकिन फेमस है, तो ये सबसे बड़ा इंडिया का नेशनल पार्क है, तो ये आपको ऐसे ही डायरेक्ट याद होना चाहिए बिना किसी ट्रिक का, है ना। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, और वो कहाँ है, तो लद्दाख में है। और ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, जिसको स्नो लियोपार्ड कहते हैं, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, हिम
हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, वो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम में भी एक ही नेशनल पार्क है जो कि फेमस है, जो बार बार एग्जाम में चर्चा में रहता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। नाम सुना सा होगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, एक ही नेशनल पार्क है, और नहीं तो इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, कंचन सिक्किम जाएगी, कंचन सिक्किम जाएगी। तो सिक्किम से पता चल जाएगा कि सिक्किम के बारे में बात हो रहा है, और कंचन से हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो आप जैसे भी हो, याद रखना है आपको सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क है, कंचनजंगा, ठीक है। अगला देखिए, दो स्टेट हम ले लिए यहाँ पर, कवर कर लिए छोटा छोटा, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो उत्तर प्रदेश में एक फेमस नेशनल पार्क है जो है दुधवा नेशनल पार्क। तो इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया, क्योंकि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में देखिए पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, और यहाँ पर क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा दूध यूपी में होता है, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ होगा, यूपी में होगा, ठीक है। और साथ के साथ एक और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे, मैंने इसका ट्रिक नहीं बनाया है। और बिहार, बिहार को भी डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि एक ही नेशनल पार्क है, और नाम से ही पता चल जाएगा कि कहाँ हो सकता है, ये वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 11 स्टेट को कवर कर लिया है। फिर हम देखते हैं अगले स्टेट को, और इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार को लिया है, जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है भारत में। अगर भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है, और उससे थोड़ा कम अंडमान निकोबार में है, मतलब इन दोनों में सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो देखिए है आपका वन विहार नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, डायनासोर फॉजिल जीवाश्म नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और पंचमढ़ी नेशनल पार्क। इसके अलावा और भी दो चार छोटे छोटे नेशनल पार्क हैं, तो हम जो इंपॉर्टेंट है उसको लिए हैं केवल। तो इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, ये सभी नाम को आपको नहीं याद रखना है, केवल एक दो बार पढ़ लेना है, ताकि नाम से पता चले कि ये नेशनल पार्क का नाम है ना। याद आपको ये रखना है कि मध्य प्रदेश के वन में कान्हा, माधव, ओंकार और पन्ना ने 7 डायनासोर को बांध कर पंच से मारा। बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे, 2-4-10 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। यहाँ पर 3-4 व्यक्ति का नाम है, कान्हा, माधव, ओंकार और पन्ना, ये सभी क्या किया जा करके एक डायनासोर को बांध करके पंच से मारा है ना। तो इस तरह से समझ के याद करेंगे, मध्य प्रदेश के वन में कान्हा, माधव, ओंकार और पन्ना ने 7 डायनासोर को बांध कर पंच से मारा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा वन से वन विहार नेशनल पार्क, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क, माधव माधव नेशनल पार्क, ओंकार ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, पन्ना से पन्ना नेशनल पार्क, 7 से हो जाएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क, डायनासोर से डायनासोर फौजिल जीवाश्म नेशनल पार्क, बांधकर से हो जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पंच से हो जाएगा पेंच नेशनल पार्क और पंचमढ़ी नेशनल पार्क। तो पंच से ये दोनों हो जाएगा। तो आपको केवल इस ट्रिक को याद रखना है, जब ऑप्शन में ये सभी नाम आएगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के लिए देखिए क्या है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, रानी झांसी नेशनल पार्क है, सैंडल पिक नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क है, मिडिल बटन नेशनल पार्क है, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क है ना। इसके अलावा माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क है और गैलाथिया बे नेशनल पार्क है। इतने सारे नेशनल पार्क हैं और नाम भी अजीब अजीब है, तो याद तो होगा नहीं, तो याद भी नहीं रखना है, याद केवल इस लाइन को रखना है कि महात्मा गांधी रानी झांसी के साथ सैंडल का बटन लगाकर माउंट वे पर गए है ना। ध्यान से पढ़िए, महात्मा गांधी रानी झांसी के साथ सैंडल का बटन लगाकर माउंट वे पर गए। महात्मा गांधी रानी झांसी के साथ सैंडल का बटन लगाकर माउंट वे पर गए। तो इसको बोल बोल करके केवल याद कर लेना है, ये लाइन याद रहना चाहिए और बहुत आराम से याद हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर महात्मा गांधी से हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल पार्क, रानी झांसी से हो जाएगा रानी झांसी नेशनल पार्क है ना, सैंडल से हो जाएगा सैंडल पीक नेशनल पार्क, और यहाँ पर देखिए बटन से हो जाएगा 3 नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क और नॉर्थ बटन नेशनल पार्क। तो जैसे ही बटन आ जाएगा ऑप्शन में तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ है ना। उसके बाद है माउंट वे, तो माउंट से हो जाएगा माउंट हैरियट नेशनल पार्क और वे से हो जाएगा 2 नेशनल पार्क, कैंपबेल वे और गैलाथिया वे। तो वे आएगा तो पता चल जाना चाहिए, वे से कैंपबेल वे और गैलाथिया वे। तो इस तरह से समझ करके याद रखना है। और यहाँ पर जो ये साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि साउथ बटन नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और इसका क्षेत्रफल मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर है, तो बहुत छोटा है ना। तो ये दोनों हो गया। अब फिर आते हैं अगले स्टेट को देखते हैं। तो अगले स्टेट को हम लिए हैं हरियाणा, और हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक कालेश्वर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में है, कैसे याद होगा। तो यहाँ पर ट्रिक है, हरियाणा के सुल्तान कलाकार भी हैं, हरियाणा के सुल्तान कलाकार भी हैं।
अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो दोनों ही नेशनल पार्क आपको याद हो जाएगा, सुल्तान से हो जाएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलाकार से हो जाएगा कालेश्वर नेशनल पार्क, है ना। तो इस लाइन को याद रखना है और बहुत आराम से याद हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। हरियाणा के सुल्तान कलाकार भी हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में तीन नेशनल पार्क है जो इंपॉर्टेंट है, एक रामेश्वरम नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। कैसे याद करेंगे? तो आंध्र प्रदेश के रामेश्वर और वेंकटेश्वर दोनों पापी हैं। आंध्र प्रदेश में जो रामेश्वर और वेंकटेश्वर हैं दोनों ही पापी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी का भी नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं तो मेरा उद्देश्य उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमें केवल याद कराने के लिए टेक्निक बनाया है। तो अगर किसी का नाम यूज होता है तो आप उसको दिल पर नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के रामेश्वर और वेंकटेश्वर दोनों ही पापी हैं। तो यहाँ रामेश्वर से हो जाएगा रामेश्वरम नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर से हो जाएगा वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापी से हो जाएगा पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है गोवा। तो गोवा में एक ही नेशनल पार्क है और वो है भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, एक ही नेशनल पार्क है ना। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं मोल्लेम नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क को ही मोल्लेम नेशनल पार्क कहते हैं। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि भगवान महावीर का मोहल्ला गोवा में, भगवान महावीर का मोहल्ला गोवा में। तो यहाँ पर देखिए, भगवान महावीर से भगवान महावीर नेशनल पार्क हो जाएगा और मोहल्ला से आप रिलेट कर सकते हैं मोल्लेम नेशनल पार्क को, हालांकि दोनों एक ही पार्क का नाम है ना। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में तीन नेशनल पार्क है जो इंपॉर्टेंट है, एक सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जिसको सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं, दोनों एक ही पार्क का नाम है। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क बोले या सलीम अली नेशनल पार्क बोले, एक ही पार्क का नाम है। और एक है डाचीगम नेशनल पार्क और एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कैसे याद रहेगा? तो इस ट्रिक से याद हो जाएगा कि जम्मू सिटी में सलीम ने डचों को किस किया, जम्मू सिटी में सलीम ने डचों को किस किया, है ना। तो जम्मू से पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर के बारे में बात हो रहा है। सिटी से हो जाएगा सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क और उसी को कहते हैं सलीम अली नेशनल पार्क और यहाँ सलीम भी आ रहा है ना। तो डच से हो जाएगा डाचीगम नेशनल पार्क और किस से हो जाएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक टेक्निक से और याद रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर है सलीम अली नेशनल पार्क। तो सलीम अली नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये कोई मुस्लिम व्यक्ति का नाम होगा और मुस्लिम सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सलीम अली आया तो वो जम्मू कश्मीर चला जाएगा। फिर देखिए किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ के लास्ट में देखिए क्या है, वार। वार मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, युद्ध। तो वहां पर देखिए जम्मू कश्मीर में हमेशा वार होते रहता है पाकिस्तान से, है ना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ देखिए डाची गम, तो यहाँ लास्ट में देखिए गम है, तो बार 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 होगा तो जो लोग वहां के होंगे वो गम में डूबे रहेंगे। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, नहीं तो जम्मू सिटी में सलीम ने डचों को किस किया, जैसे भी हो आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो डाचीगम नेशनल पार्क है, इसके बारे में याद रखना है कि डाचीगम नेशनल पार्क जो है वो कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है ना। कश्मीरी हिरन के लिए डाचीगम नेशनल पार्क प्रसिद्ध है और इस कश्मीरी हिरन को जम्मू कश्मीर का जो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है वहां की भाषा में हंगूल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा गया है कि कश्मीरी हिरन को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, तो इसको हंगूल कहते हैं, हंगूल, है ना। और इसके बाद है अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर भी तीन चार या पांच नेशनल पार्क है, एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, है ना। तो ये सभी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। और कैसे याद करेंगे? तो हिमालय पर जाकर सिंबल और इंदर पिया नहीं खीर खाया। ध्यान से पढ़िए, हिमालय पर जाकर सिंबल और इंदर पिया नहीं खीर खाया। इतना दिन बाद हिमालय पर गया घूमने तो वहां पर कुछ ड्रिंक व्रिंक करना चाहिए, तो खीर खाया जा करके। दो व्यक्ति है सिंबल और इंदर, तो ये दोनों हिमालय पर जा करके पिया नहीं खीर खाया। तो ऐसे आप याद करेंगे आराम से याद हो जाएगा। तो हिमालय से आपको आपको पहले पता चल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के बारे में बात हो रहा है, हिमालय हिमाचल प्रदेश, है ना। और यहाँ से एक नेशनल पार्क भी बनेगा, वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हिमालय से हिमालयन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सिंबल से हो जाएगा सिंबल बारा नेशनल पार्क, इंदर से हो जाएगा इंदर किला नेशनल पार्क, पिया, पिया में देखिए पी आया तो हो जाएगा पिन वैली नेशनल पार्क और खीर खाया तो खीर गंगा नेशनल पार्क, है ना। तो नाम आपको केवल याद नहीं रखना है, अगर आप नोटबुक बनाएंगे नोट्स बनाएंगे तो वहां लिख करके रख सकते हैं, आपको केवल इस लाइन को याद रखना है ना। तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। अब अगले स्टेट को देखते हैं। तो अगले स्टेट में हम लिए हैं उड़ीसा। उड़ीसा में आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक भीतर कनिका नेशनल पार्क और एक सिमलीपाल नेशनल पार्क। भीतर कनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में है। कैसे याद करेंगे? तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, उड़िया भीतर से सिंपल होता है, उड़िया
भीतर से सिंपल होता है बस, और आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, आपको ऑप्शन से आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उड़िया से पता चल जाएगा कि उड़ीसा के बारे में बात हो रहा है, भीतर से हो जाएगा भीतर कनिका नेशनल पार्क, और सिंपल से हो जाएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क, है ना। तो भीतर कनिका और सिमलीपाल ये दोनों नेशनल पार्क उड़ीसा में है। अगला है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में भी आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक राजाबरी नेशनल पार्क और एक क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क। राजाबरी नेशनल पार्क और क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क ये दोनों नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। कैसे याद करेंगे, तो त्रिपुरा के राजा बड़ी क्लाउडेड हैं, त्रिपुरा के राजा बड़ी क्लाउडेड हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, राजा से हो जाएगा राजाबरी नेशनल पार्क और क्लाउडेड से हो जाएगा क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, है ना। तो ये दोनों नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। अब देखिए यहाँ पर अगला है मिजोरम, तो मिजोरम में आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक पबंग पुई नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क। पबन पुई नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क ये दोनों नेशनल पार्क मिजोरम में है। कैसे याद होगा, तो मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई, बस मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई, और कुछ भी नहीं याद रखना है। तो यहाँ से पवन से हो जाएगा पबंग पुई नेशनल पार्क, मुरली से हो जाएगा मुरलेन नेशनल पार्क। पबंग पुई नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क ये दोनों नेशनल पार्क मिजोरम में है। अगला राज्य है हमारा गुजरात, तो गुजरात में आपको चार नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर वन नेशनल पार्क, वनसदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, है ना। ये चारों नेशनल पार्क गुजरात में है। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, गुजरात की ब्लैक बकरी वन में गिरकर मर गई, गुजरात की ब्लैक बकरी वन में गिरकर मर गई, बस और कुछ भी नहीं याद रखना है। तो यहाँ से आपको सारा चीज पता चल जाएगा। देखिए ब्लैक बक नेशनल पार्क, यहाँ है ब्लैक बकरी, तो ब्लैक बकरी ब्लैक बक नेशनल पार्क, है ना। वनसदा नेशनल पार्क, वन से हो जाएगा वनसदा नेशनल पार्क। गिर वन नेशनल पार्क, यहाँ देखिए गिर है, गिर गई, गिर कर मर गई, तो गिर से हो जाएगा गिर वन नेशनल पार्क, मर गई तो मर से हो जाएगा मरीन नेशनल पार्क, है ना। तो आप आराम से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो गिर वन नेशनल पार्क है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। गिर वन जो है ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है गिर वन जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और फिर है इसका अगला राजस्थान, तो राजस्थान में भी आपको चार नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क और मुकुंदरा नेशनल पार्क, है ना। तो ये सभी को आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, राजा रन में केवल डेजर्ट से मुकरते हैं, राजा रन में केवल डेजर्ट से मुकरते हैं। रन का मतलब क्या हुआ, लड़ाई का मैदान, है ना, और डेजर्ट मतलब आप कचरा समझ लीजिए, और मुकरना मतलब क्या होता है, पीछे हटना। तो राजा जो है लड़ाई में केवल कचरा से पीछे हटते हैं, है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, राजा रन में केवल डेजर्ट से मुकरते हैं। तो रन से हो जाएगा रणथंभौर, केवल से हो जाएगा केवला देव नेशनल पार्क, डेजर्ट से हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क, और मुकरते से हो जाएगा मुकुंदरा नेशनल पार्क। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर ये जो केवला देव नेशनल पार्क है, ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सा नेशनल पार्क साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, तो ये केवला देव, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में भी आपको चार पांच नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, नए गांव नेशनल पार्क और ताडोबा नेशनल पार्क, है ना। तो ये सभी महाराष्ट्र में है। कैसे याद करेंगे, तो महाराष्ट्र में संजय और गुगामल नए चांदी तोड़ दिया, महाराष्ट्र में संजय और गुगामल नए चांदी तोड़ दिया, कुछ चांदी का नया लिया था तोड़ दिया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र में संजय और गुगामल नए चांदी तोड़ दिया। अब देखिए महाराष्ट्र के बारे में पता चल रहा है, संजय से हो जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल से हो जाएगा गुगामल नेशनल पार्क, नए से हो जाएगा नए गांव नेशनल पार्क, चांदी से हो जाएगा चंदौली नेशनल पार्क, और तोड़ दिया तो तोड़ से हो जाएगा ताडोबा नेशनल पार्क। तो आप इस लाइन को याद रखेंगे तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद अब और जो दो चार स्टेट बचा हुआ है उसको आप कवर करते हैं। तो अब जो तीन चार स्टेट बच गए हैं उसमें से एक है मणिपुर, और मणिपुर में एक मात्र नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है, और उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ है, मणिपुर में है। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ही नेशनल पार्क है, नहीं तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, मणिपुर की बुलबुल, मणिपुर की बुलबुल। कैसे याद होगा, देखिए मणिपुर की बुलबुल, की बुलबुल, देखिए यहाँ पर इन तीनों को अगर आप मिलाइए, की बुल मणिपुर की बुलबुल, की बुल, तो यहाँ जो होगा केबुल, है ना, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है एग्जाम के लिए, तो ये क्यों फेमस है, देखिए ये भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसको तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं, क्योंकि ये जो है पानी में तैर रहा है,
मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। इस झील में ये जो नेशनल पार्क है वो तैरता हुआ दिखाई देता है, आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं, और एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है और ये लोकटक झील में है। तो ये झील और ये नेशनल पार्क दोनों ही एग्जाम में बार बार आते हैं कि लोकटक झील कहाँ है, तो वो मणिपुर में है, और नेशनल पार्क जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ है, मणिपुर में है। और तैरता हुआ नेशनल पार्क किसको कहेंगे, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को। किस झील में तैर रहा है, तो लोकटक झील में तैर रहा है। तो ये सभी 3 4 5 पॉइंट बनते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं यहाँ से, है ना। नेक्स्ट है तेलंगाना, और तेलंगाना में आपको 3 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। एक आपका है महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क, महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क। एक है कासू बर्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, और एक है मुग्राबनी नेशनल पार्क। कैसे याद रहेगा, तो आप इस लाइन को केवल याद रख लीजिए, तेलंगाना में महावीर ने बर्मानंद को मुर्गा बनाया, तेलंगाना में महावीर ने बर्मानंद को मुर्गा बनाया, बस। तो महावीर से हो जाएगा महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क। पूरा नाम थोड़ी याद करना इतना टेढ़ा मेढ़ा, याद केवल इस लाइन को रखना है, महावीर से महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क, बर्मानंद से कासू बर्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, और मुर्गा से हो जाएगा मुग्राबनी नेशनल पार्क। मुर्गा मुग्रा, मुर्गा मुग्राबनी, है ना, तो याद हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में यहाँ पर देखिए 4 नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, और गुंडई नेशनल पार्क। कैसे याद रहेगा, तो आपको इसको याद रखना है, तमिलनाडु में मुन्ना को मलाई खाते वक्त गुंडा ने पकड़ लिया, तमिलनाडु में मुन्ना को मलाई खाते वक्त गुंडा ने पकड़ लिया, एकदम आराम से याद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए मुन्ना से हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ देखिए मुन्ना आ रहा है, यहाँ पर मन्ना आ रहा है, मुन्ना मन्ना, तो आप रिलेट करना है केवल ऑप्शन को। तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मलाई से हो जाएगा अन्ना मलाई और मुदु मलाई, मतलब अगर मलाई आ रहा है तो तमिलनाडु में चला जाएगा, या अन्ना मलाई रहे चाहे मुदु मलाई रहे, और गुंडा से हो जाएगा गुंडई नेशनल पार्क, है ना। तो ये 4 नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। इसके बाद लास्ट है कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी आपको 3 4 नेशनल पार्क दिखाई देंगे। एक होगा अंसी नेशनल पार्क, एक राजीव गांधी नागर होल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, और बनेरघट्टा नेशनल पार्क, है ना। कैसे याद रहेगा, तो आपको इससे याद करना है, कर्नाटक में अंशु ने राजीव के मुख पर दुपट्टा बांधी, कर्नाटक में अंशु ने राजीव के मुख पर दुपट्टा बांधी। तो इससे कैसे याद हो जाएगा, यहाँ देखिए अंशु से हो जाएगा अंशी नेशनल पार्क, राजीव से हो जाएगा राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क, मुख से हो जाएगा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, मुख कुद्रेमुख, है ना, दुपट्टा से हो जाएगा बनेरघट्टा नेशनल पार्क, दुपट्टा घट्टा, दुपट्टा बनेरघट्टा, है ना। तो दुपट्टा से आप याद रख सकते हैं बनेरघट्टा नेशनल पार्क, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज देखे होंगे आप कि राजीव गांधी से बार बार नेशनल पार्क आ रहा है, 3 4 स्टेट में आ गया, तो राजीव गांधी सब में लगा हुआ है लेकिन डिफरेंट है, आप एक बार समझ ले। अगर राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम हो आवे तो राजीव गांधी के साथ अगर औरंग लगा हुआ, जैसे राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, तो वो हो जाएगा असम में, है ना। और अगर राजीव गांधी के साथ नागर होल रहे, राजीव गांधी नागर होल नेशनल पार्क, तो वो कर्नाटक में हो जाएगा। और अगर राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क रहे, है ना, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो आप इन तीनों को भी याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, अगर कुछ भी याद होने का चांस है तो